हेलो गॉड्सट्विन, गॉड्सट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। भक्ति स्वरूपा श्री राधा रानी और मुक्तिदाता प्यारे केशव जी की कृपा आप सभी पर अनवरत बरसती रहे। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, मैं लगभग सभी पैटर्न के एंजेलिक नंबर पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, बट मेरा नंबर एंड जीरो के साथ बैलेंसिंग शो करने वाले एंजेलिक नंबर के पैटर्न पर वीडियो अपलोड करना मुझसे मिस हो गया था। तो ये वीडियो मेरा नंबर एंड बैलेंसिंग विद जीरो पैटर्न पर ही बेस्ड है। तो आइए इस वीडियो में पहले मैं बात करती हूँ मिरर नंबर मींस ऐसे नंबर्स जिनका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सेम हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने अपने मोबाइल में या स्मार्ट वॉच पर टाइम देखा तो टाइम था 01 01 02 02 या 03 03 या 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12। हालांकि 01 10 10 10 11 11 स्ट्रांगली न्यू बिगनिंग एंड यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, बट इस पैटर्न के एंजेलिक नंबर का मेन मीनिंग ये है कि आपको जिस टाइम ये नंबर दिख रहा है उस टाइम आप जिस एनर्जी में हैं, चाहे फिर वो हैप्पीनेस की एनर्जी हो, सोरो की हो, एंगर की हो, या फिर आप किसी कंफ्यूजन में हो, ओवरऑल आप जिस एनर्जी में होंगे उसी समय उसी एनर्जी में आपके डीएम भी होंगे। ये मिरर नंबर आपको मैसेज दे रहे होते हैं कि आपके डीएम आपकी एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, इसलिए जिस एनर्जी में आप हैं उसी एनर्जी में आपके डीएम भी हैं। इसलिए जैसे ही आपको ये मिरर नंबर शो होते हैं वैसे ही आप अपनी फीलिंग चेक करें। यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग में, पॉजिटिव फीलिंग में हैं तो खुश रहें कि आपके डीएम भी आपकी एनर्जी पिक करके पॉजिटिव एनर्जी में हैं, जो कि उनकी अवेकनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यदि आप नेगेटिव एनर्जी में हैं और आपको मिरर नंबर शो हो जाते हैं तो आप तुरंत पॉजिटिव एनर्जी में शिफ्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि मिरर नंबर ने आपको मैसेज दिया है कि आपकी ये नेगेटिव एनर्जी भी आपके डीएम पिक कर रहे हैं, जो उनकी अवेकनिंग की राह का बहुत बड़ा बैरियर है। इसलिए आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी लाइक एंगर, फियर, डिज़ायर, कन्फ्यूज़न एक्सेट्रा से निकल कर तुरंत पॉजिटिविटी की ओर शिफ्ट हो जाएँ, और यही आपका आपके डीएम से यूनियन के लिए ज़रूरी है। और आप लाख कोशिशों के बाद भी नेगेटिविटी को हराकर पॉजिटिविटी पे शिफ्ट ना हो सकें तो सिंपल एंड अचूक रेमेडी लीजिए। तुरंत आप गॉड के जिस रूप को मानते हैं उनके नाम का जप शुरू कर दीजिए। ये विश, ये प्रे करते हुए जप कीजिए कि हे ईश्वर, आप मुझे अपनी अनलिमिटेड पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, मुझे अपनी प्रेजेंस का एहसास कराइए ताकि मैं पॉजिटिव एनर्जी में रह सकूं। ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी स्टेबल होती चली जाएगी, आपकी पॉजिटिविटी इतनी स्ट्रांग होगी कि फिर नेगेटिविटी आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी और यूनियन की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ये थी बात मिरर नंबर की। अब बात करते हैं बैलेंसिंग नंबर की। बैलेंसिंग नंबर वो होते हैं जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट सेम होता है और सेकेंड डिजिट डिफरेंट होता है। मीन्स आसपास के नंबर सेम होंगे और बीच वाला नंबर अलग होगा। ऐसी सिंक्रोनिसिटी को कैसे डिकोड करते हैं? इसका बिल्कुल सिंपल फार्मूला ये है कि आसपास के जो नंबर्स हैं उससे रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में इम्बैलेंस हैं, और बीच वाला जो नंबर है उससे रिलेटेड बातों को फॉलो करके आप फर्स्ट एंड थर्ड नंबर से शो होने वाले इम्बैलेंस को दूर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 6-3 का कॉम्बिनेशन ज़्यादा दिख रहा है। 6 दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी और 3 देवों के गुरु ब्रह्मा मींस जुपिटर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, और आपको ये डिफरेंट एनर्जी के नंबर कंबाइन होकर सिंक्रोनिसिटी दे रहे हैं। तो ये डिफरेंट एनर्जी के नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी आपसे कह रही है कि आप इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, और यदि 6-3-6 दिख रहा है तो आप में मटेरियल वर्ल्ड के थॉट्स ज़्यादा हैं। आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होकर अपने थॉट्स को बैलेंस करना है, और यदि आपको 363 ज़्यादा दिख रहा है तो आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ थोड़ा सा मटेरियल वर्ल्ड के प्रति भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहिए। इस तरह की सिंक्रोनिसिटी आपको यही बताती है कि आपकी लाइफ में क्या इम्बैलेंस है और आपको इसे कैसे बैलेंस करना है। इसलिए बीच वाला नंबर अगर डिफरेंट है और आसपास का नंबर सेम है तो इस टाइप के नंबर्स को बैलेंसिंग नंबर कहते हैं, और इन्हें कैसे डिकोड करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ये ट्रिक जीरो के साथ शो होने वाली बैलेंसिंग नंबर पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि जीरो
इम्पटीनेस ध्यान धारणा प्राणायाम समाधि का पावर है। और जीरो जब किसी सेम नंबर के बीच में शो कराया जाता है, इट मींस आपसे कहा जा रहा है कि जीरो के साथ जो नंबर शो हो रहा है, आप उससे रिलेटेड पैटर्न पे ओवर थिंकिंग ना करें। खुद को गॉड से प्रे करके मेडिटेशन करके उस पर्टिकुलर नंबर से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में ब्रेन को थॉटलेस करें, जिससे आपके सबकॉन्सियस माइंड को आपकी ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपके अननेसेसरी थॉट्स का बैरियर फेस ना करना पड़े। इससे गॉड और आपका सोल एक दूसरे से प्रॉपर कनेक्ट रह के आपकी ग्रोथ के लिए स्मूथली वर्क कर सकेंगे। आपके अननेसेसरी थॉट्स गॉड को आपकी ग्रोथ के लिए स्मूथ वे नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप उनके वे से अननेसेसरी थॉट्स का ट्रैफिक हटाएं और लाइफ को अकॉर्डिंग टू डेस्टिनी अनफोल्ड होने दें। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इन शॉर्ट सभी नंबर्स को कवर कर रही हूँ। तो बात करते हैं कि आपको यदि 0-1 के बीच में दिखता है, लाइक 101, तो आपको मैसेज दिया जा रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग खुद ब खुद होगी। आप ओवर थिंकिंग करके परेशान ना हो। 101 अगर आपको दिख रहा है तो कहा जा रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग खुद ब खुद होगी, आप ओवर थिंकिंग करके परेशान ना हो। नाउ 202 शो होता है तो आपकी विश खुद ब खुद पूरी होगी, आप परेशान ना हो। 303 दिखता है तो गॉड एंड डीएम से यूनियन खुद ब खुद हो रहा है, आप परेशान ना हो। 404 दिखता है तो गॉड आपको खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, आप परेशान ना हो। 505 दिखता है तो गॉड आपकी विजडम खुद ही इंक्रीज कर रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग करके परेशान ना हो। 606 दिखता है तो गॉड मटेरियल वर्ल्ड में खुद ब खुद आपकी ग्रोथ कर रहे हैं, आप अननेसेसरी परेशान ना हो। 707 दिखता है तो गॉड खुद ही आपको स्पिरिचुअल बना रहे हैं, आप ओवर इनर वर्क से बचें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को भी एज बर्डन ना लें। 808 दिखता है तो गॉड के गाइडेंस में वर्क तो करें पर ओवर एक्टिव होके खुद को परेशान ना करें, अबंडेंस खुद ब खुद आ रही है। 909 दिखता है तो इनकम्प्लीशन की टेंशन ना लें, गॉड आपको खुद ब खुद कंप्लीट कर रहे हैं। ओवरऑल जीरो आपसे कह रहा है कि आप किसी मैटर पे ओवर साइलेंट भी ना हो, ओवर एक्टिव भी ना हो। गॉड आपकी लाइफ को खुद ब खुद अनफोल्ड करके सुलझाते जा रहे हैं, आपको कंप्लीट करते जा रहे हैं। सिंपल सा मेन मैसेज ये है कि आप स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ में किसी भी टॉपिक पे एक्टिव साइलेंट तो रहें, बट ओवर एक्टिव एंड ओवर साइलेंट ना रहें। इसी सजेशन के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो पर टाइम स्पेंड करने के लिए आपका अनंत 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 शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।